जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें से एक अपराध कर्मी रंजीत झा उर्फ रंजीत साहू है, जो तड़ीपार अपराधी बताया जाता है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर CCR DSP ने बताया कि तड़ीपार कानून का उल्लंघन कर अपराध कर्मी रंजीत साहू उर्फ रंजीत झा पिछले कुछ दिनों से बागबेड़ा इलाके में रह रहा था। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज था, जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा उसे बागबेड़ा स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। वहीं बाइक चोरी के मामले में एक अन्य अपराधी शेख मुर्शीद को मूसाबनी से गिरफ्तार किए जाने की बात उन्होंने कही। बताया जाता है कि शेख अपने पश्चिम बंगाल के साथी के साथ मिलकर शहर में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिसमें नामजद होने के बाद से वह फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि मुर्शीद द्वारा चुराए गए गाड़ियों को पहले ही बरामद कर लिया गया है, जबकि उसका साथी पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जमशेदपुर पुलिस के लिए दोनों ही गिरफ्तारियां काफी अहम मानी जा रही है। इंडियन न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। रंजीत साहू है, रंजीत झा, ये विभिन्न मामलों में पहले से आरोपित है और CCA का इस पर लगा हुआ था, तड़ीपार का आदेश निर्गत था। इसका अवहेलना कर यहाँ अपराध कर रहा था और छुपे रहने की सूचना थी, जिस पर 7 तारीख की इसकी गिरफ्तारी डिस्ट्रिक्ट थाना पुलिस के द्वारा की गई। कहाँ से गिरफ्तारी? गिरफ्तारी इसकी हुई अपने घर से, वहाँ बागबेड़ा थाना क्षेत्र से। किस तरह के आपराधिक मामले हैं सर इसके? आपराधिक इसके मर्डर भी हैं इसके ऊपर हैं, उसके बाद ये जुआ वगैरह खिलाने का भी, जुआ किंग के नाम से भी जाना जाता है ऐसे ये वहाँ पर। उसके बाद में यहाँ NDPS एक्ट में वांछित था हम लोग यहाँ। उसके पहले 25 जुलाई को एक केस यहाँ हुआ था, जिसमें कि गांजा और शराब इत्यादि की बरामदगी हुई थी, जिसमें इनके द्वारा और यो संजीत साहू रंजीत साहू के द्वारा सप्लाई करने की बात आई थी यहाँ पर, उसी में वांछित थे। हाँ सर बताइए सर। एक वाहन चोरी का मामला दर्ज हुआ था जनवरी में 19/20, जिसमें वाहन चोरी की थी, उसकी बरामदगी पहले कर ली गई थी और उसी कांड में ये शेख मुर्शीद उर्फ शेख अनवर ये मूसाबनी से गिरफ्तारी रात में की गई है। ये अपना दोष स्वीकार किए हैं कि हमने चोरी किए हैं और 2 गाड़ी इनके ऊपर बरामद की गई। अब तक कितनी गाड़ी इन्होंने चोरी कर चुके हैं? अभी तक 2 बरामद हुई है, लेकिन अब और समय पूछताछ जारी है, पूछताछ इसलिए है ये वेटरन चोरी है। ये अकेले था कि पूरा गैंग और इसके साथ में जो वहाँ का ये वर्धमान का वेस्ट बंगाल का, तो गाड़ी चोरी का जमशेदपुर का काम कर पता है पैसे वाला था, वो बर्दवान वाला नहीं पकड़ा, बर्दवान वाला पहले पकड़ा गया।